जय मसीह की। थोड़ा सारा दा एक बार फिर तो अपना टीवी च स्वागत हैगा या फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड द हिंदी पंजाबी चर्च सर्विस च। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड्स हिंदी पंजाबी चर्च सर्विस। अज असी गल कर रहे हैं होप दे बारे च, उम्मीद दे बारे च, आशा दे बारे च। परमेश्वर दे वचन च इदा लिखा है मार्क 10:27 च कि मनुष्य दे लई तां संभव हैगा आ, लेकिन परमेश्वर दे लई सब कुछ संभव हैगा आ। कि अज तुसी कोई इहो जी परेशानी फेस कर रहे हो जो, या इहो जी कोई गल फेस कर रहे हो जो थानू देख के लगता है कि आ बहुत ही असंभव सिचुएशन हैगी आ। आर यू फेसिंग अ प्रॉब्लम टूडे विच सीम्स टू बिग फॉर यू एंड यू थिंक दिस इज़ इम्पॉसिबल? मैं अज परमेश्वर के वचन च थोनू इनकरेज करना चाहनी हाँ, चाहे थोड़ी प्रॉब्लम किन्नी ही वड्डी क्यों ना होवे, चाहे थोड़ी सिचुएशन किन्नी ही मुश्किल क्यों ना होवे, परमेश्वर दे लई सब कुछ संभव हैगा आ। जे तुसी परमेश्वर दे उत्ते ईमान लाओगे, जे अपना उम्मीद, अपनी आशा, अपना भरोसा, अपना विश्वास जीवित परमेश्वर यीशु मसीह दे उत्ते लाओगे, तो हर एक चीज़ परमेश्वर दे द्वारा संभव हो जाएगी। आज साडे विच मैसेज नू ला रहा पास्टर प्रशांत, जिहड़ा हिंदी दे विच हैगा आ। मैसेज विल बी इन हिंदी टुडे एंड ओ तो बाद वर्शिप साडी लेके आ रहा पास्टर एशले जोसेफ। सो लेट अस गो इन द वर्ड ऑफ गॉड। मरकुस 7 में देखेंगे, यानी कि मार्क चैप्टर 7 वर्स 24 से। और इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जीसस वाज टीचिंग। फेरिसीज एंड सेड्यूसीज, कई सारे लोग उसके पास इकट्ठे हुए, वो टीचिंग, उनको ट्रेडिशन के ऊपर टीच कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। फिर चेलों ने उससे कुछ पूछा, उसको बता रहा था, फिर वहाँ से उठ करके वो चला गया। इतना सब बता बता के वो वहाँ से आगे बढ़ा। और आगे हम 24th वर्स में देखते हैं लिखा है, फिर वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, लेकिन आके लिखा है परंतु वो छुप ना सका। हालेलुया, रिद्दाला रा शखाला रा बाबा रा शखेरे बेबे रही है। दोस्तों यदि आज आप विश्वास करेंगे उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी यहाँ पे है, उसकी हजूरी छुप ना पाएगी। यदि आप विश्वास करेंगे, आप उसकी हजूरी को पालेंगे, रिबारा या शखाला रा बाबा। वो जो रीजन है टायरियन से डॉन का, ये वो रीजन है जो कनान से बॉर्डर करता है। जूस दे ऑलवेज सी देमसेल्फ एज अ क्लीन एंड होली पीपल, एंड जो कनानाइट पीपल हैं दे जूस ऑलवेज सी देम एज अनक्लीन, अनहोली, अनगॉडली, पेगन, आइडल वर्शिपर पीपल। सो जूस की वैसे भी नहीं बनती, और हिस्टोरिकल प्रॉब्लम ये है कि वो जेजबिल वहाँ से बिलोंग करती थी, जिसने इसराइल पे आके प्रॉफिट्स को मारा, इसराइल पे आके आइडल वर्शिप एंड बाल वर्शिप को स्टार्ट करा। सो वहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये होती थी उस एरिया में कि ब्रेड की बहुत शॉर्टेज होती थी, और जो ये कैनानाइट लोग थे, जो सीरियो फिनिशियन लोग वहाँ पे थे, जो सामरी लोग थे, ये आकर के ये ब्रेड जो है ये खरीद करके ले जाते थे, और जो वहाँ के जो लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके लिए शॉर्टेज हो जाती थी। आगे लिखा है, और तुरंत एक स्त्री जिसकी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव में गिरी। लेकिन कोई तो व्यक्ति ऐसा रहा है, ये बीच में एक कड़ी ऐसी है मेरे दोस्तों, जो वो उस कड़ी ने जा करके उस औरत तक ये खबर पहुंचाई कि यीशु मसीह इस जगह पे मौजूद है, यीशु मसीह इस घर में मौजूद है। वो कड़ी, मैं ये कहता हूँ, परमेश्वर के जन या परमेश्वर का कोई चेला रहा होगा, या हो सकता है कोई डिसाइपल रहा, या हो सकता है कोई यीशु मसीह के पीछे चलने वाला फॉलोअर रहा होगा, लेकिन उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने जा करके जब उस लेडी को बताया, जो अन्य जाति की थी, जो सीरियो फिनिशियन, जो ग्रीक कुक थी, जो मिक्स रेस की थी, जिसे इसराइली एसोसिएट नहीं करते थे, जहां के लोग यहां की ब्रेड लेके जाते थे, वहां तक उसने रीच आउट करा और उसने ये खबर इस लेडी को पहुंचाई, ये चर्चा इस लेडी को पहुंचाई होगी। हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है एक व्यक्ति हो, या हो सकता है कोई उसका रिलेटिव हो, लेकिन ये जो भी व्यक्ति रहा होगा, ये वहां तक पहुंच गया। ये सीमाओं को तोड़ करके, ये कल्चरल चीजों को तोड़ करके, ये पास्ट की बनाई हुई रीति रिवाजों को तोड़ करके, हिस्टोरिकल हिस्ट्री को तोड़ करके, ये बियॉन्ड चला गया और इसने उस लेडी को खबर सुनाई, क्योंकि इसको ये भी मालूम था कि इसकी बेटी बीमार है। तभी ये वहां पे पहुंचा और उसने कहा कि आज यीशु मौजूद है यहां,
आज यीशु इस घर में मौजूद है। हालेलुया रिबारा शखाला रबाबा। आज मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आज यीशु यहां पे मौजूद है, आज यीशु यहां पे मौजूद है। रिबारा शखाला रबाबा, आज आपके घर में यीशु मौजूद है। रिशा खाला रबाबा। और जैसे ही ये स्त्री सुनी कि यीशु यहां मौजूद है, ये सीधे उसके पांव में आकर के गिर गई और उससे विनती करने लगी। हालेलुया रिबारा या शखाला रबाबा। आइए मती में पढ़ते हैं कि वो क्या विनती करने लगी। हालेलुया रिशा खाला रबाबा, रशा खाला रबाबा, रशा खाला रबाबा। मती में 15वें अध्याय यानी कि 15th चैप्टर ऑफ मैथ्यू एंड वर्स 22 से पढ़ेंगे। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। अब ये खबर सुन करके, चर्चा सुन करके आ गई कि यीशु इस घर में मौजूद है। अब इसने कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। हे प्रभु दाऊद की संतान, दाऊद की संतान यानी कि शी इज एक्नॉलेजिंग द मोनार्की ऑफ डेविड। जब इज़राइल बेबीलोन से वापस, एग्जाइल से वापस इज़राइल में लौटा, तब से लेकर के डेविडिक मोनार्की स्टैब्लिश नहीं हुई थी। एंड टू सेइंग सन ऑफ डेविड यानी दिस लेडी इज एक्नॉलेजिंग दैट इज़राइल्स डेविड इज द किंग, एंड दिस लेडी इज एक्नॉलेजिंग दैट सन ऑफ डेविड वॉज, जिसके बारे में इज़राइली बताते हैं, सन ऑफ डेविड हैज टू कम एंड ही विल स्टैब्लिश हिज किंगडम ऑल ओवर द अर्थ। So she was acknowledging son of David. She was acknowledging him as the king. She was acknowledging his kingdom. And she is saying, I also say to you, I acknowledge you being from another background, being from another religion, being from another culture, being from another race. I acknowledge you as king of heaven and earth. And she's saying, hey, Daud ki santan. रिखा राबाबा रा शखाला राबाबा। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। रिबारा या शखाला राबाबा। आगे लिखा है, पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। हालेलुया रिशखा राबाबा। कई बार हमारी लाइफ में, कई बार ऐसी जगह हमारी लाइफ में होता है जब हम आके यीशु मसीह के सामने, हम आके हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन हमको उत्तर अपने हिसाब से नहीं मिलता है। रिबारा शखाला राबाबा। लेकिन उसने उसको उत्तर ना दिया। जब उसने उसको उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आकर उनसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया हालेलुया। जब उसे उत्तर नहीं मिला, उसे मालूम था मैं यहूदी के घर में जाऊंगी, मुझे प्रताड़ित किया जा सकता है, मैं यहूदी के घर में जाऊंगी, मुझे नीची नजरों से देखा जा सकता है क्योंकि मैं अन्य जाति में से निकल करके आया। उसे मालूम था मैं इनके घर में जाऊंगी, मुझसे ये एसोसिएट नहीं करते, हमारे लोगों को ये पसंद नहीं करते, हमें लाइक नहीं करते, हो सकता है मुझे बुरी तरह से ट्रीट करें, हो सकता है मुझे धकेल के निकाल दें। लेकिन वो जानती थी कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, और वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे मालूम, समझ गया था, वो विश्वास करती थी यही दाऊद का बेटा, यही यीशु मसीह है, यही राजाओं का राजा है, और वो कुछ को सारी प्रताड़ना, सारी शर्म झेल सकती थी, और वो चिल्ला चिल्ला कर चेलों के पीछे और यीशु के पीछे कहने लगी, है दाऊद की संतान। यीशु ने जब उसे उत्तर नहीं दिया, चेलों ने आकर के बीच में कहा, हे प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेलों ने ये कहा, इसे विदा कर, इसे जाने दे, क्योंकि ये चेले इस बात को समझ गए कि हे प्रभु जब तक तू इससे बात नहीं करेगा, जब तक ये तेरे चेहरे को नहीं देखेगी, जब तक ये तेरे वचन को नहीं सुनेगी, यहां से जाएगी नहीं। ये चेले, जब चेलों ने यीशु मसीह से आकर के बोला, तब यीशु ने उत्तर दिया। बाइबल में लिखा है यीशु ने पहले उत्तर नहीं दिया, ये चेलों ने आकर के यीशु से विनती करी, तब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। दोस्तों ये चेले आज हम हैं, चेले आज कलीसिया है। जब हम देखते हैं लोग सताए हुए हैं, जब लोग परेशानी में हैं और यीशु के पास आते हैं, तो ऐसा ये चेलों का काम हमारा है कि हम जाके यीशु मसीह से कहें, प्रभु देख तेरे भवन में लोग हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, देख प्रभु इन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है। आज हम इनके थ्रू तुझसे कहते हैं, इनके लिए हम तेरे पास आते और कहते हैं, हम मीडिएट करते हैं, हम इंटरसीड करते और हम कहते हैं, हे प्रभु यीशु इनको उत्तर दे दे, हे प्रभु यीशु इनकी तरफ अपना रुख कर दे, हे प्रभु यीशु इन्हें जवाब दे, हे प्रभु यीशु तुझे पुकारते हैं, तू ही बात कर। इस रोल को मुझे और आपको निभाना है। ये वो रोल है जो हमें हर हाल में
निभा करके पूरा करना है, क्योंकि यदि चेले नहीं जाते तो यीशु मसीह नहीं कहता। यदि आज हम उन लोगों के लिए विनती नहीं करेंगे तो यीशु मसीह उनकी ओर रुख नहीं करेगा। यदि हम प्रभु से कहेंगे तो प्रभु जरूर उन लोगों के ऊपर रुख करेगा। और आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे देखते हैं वर्स 24 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहाँ हम इस पद को ऐसे देखते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, यहाँ से जैसे ही यीशु ने उसकी ओर रुख किया चेलों की प्रार्थनाओं के बाद, यीशु के साथ वो एक कन्वर्सेशन में आ गई मेरे दोस्तों, यीशु मसीह से बातचीत में आ गई मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने उसकी ओर रुख कर लिया मेरे दोस्तों। और जब यीशु मसीह किसी की ओर रुख कर लेता है, जब यीशु मसीह किसी के साथ कन्वर्सेशन में आ जाता है, जब यीशु मसीह वचन बोलने लगता है मेरे दोस्तों, वहाँ पे हमारी विक्ट्री की शुरुआत हो जाती है। हो सकता है जैसे इस लेडी को यीशु ने जवाब दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं गया। हो सकता है जब यीशु मसीह शुरुआत में जब आपकी ओर रुख करे, जब आपके साथ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, जब आपको लगे हाँ यीशु के साथ में बढ़ रहा हूं, और उस समय भी आपको उत्तर ना मिले, निराश मत होना मेरे दोस्तों, यीशु ने आपकी ओर रुख कर लिया है। जब यीशु ने रुख कर लिया है तो आगे देखिए क्या होगा। पर वो आई, जब उसने सुना वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने तो उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं तो इसराइल के घरानों के पास भेजा गया हूं, मैं तेरे पास नहीं आया हूं, पहले जब इसराइल के घरानों के लिए आया हूं, तेरे लिए नहीं आया हूं। लेकिन उसने ये समझ लिया कि हाँ, इतनी देर की जो मेरी जद्दोजहद थी, इतनी देर की जो मेरा लेबर, जो मेरा पेन था, इतनी देर की जो मेरी स्ट्रगल रही, अब एक पॉइंट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे, एक पॉजिटिविटी मुझे ये दिख रही है, ये दाऊद की संतान जो मसाया है, इसने मेरी ओर रुख कर लिया है, इसका चेहरा मेरी ओर हो गया है, इसका फेस मेरे सामने आ गया है, और इसने वचन बोल दिया। बस उसने उतना लिया कि हाँ, दाऊद की संतान ने, अरे राजा ने मेरी ओर मुख कर दिया है, मैं राजा का मुख के सामने आ गई हूँ। बस वो सीधे आकर के राजा के चरणों में गिरी और कही है, प्रभु मेरी सहायता कर। उससे कोई मतलब नहीं कि प्रभु क्या बोला, उसको सिर्फ एक ही था, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यदि आप प्रभु के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं तो आप बस परसिस्टेंट विडो की तरह, यहां मैं आपको इनकरेज करूंगा, कीप ऑन प्रेइंग। हालेलुया जीसस। उसने उत्तर दिया, अब यीशु ने उसे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यहां पे हम कई बार इस पद को गलत तरीके से समझते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने इतना बड़ा उत्तर दिया तो उसका मतलब कुत्तों का मतलब अगर हम ग्रीक में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड पेट्स है, लिटरली कुत्ता नहीं है या बाहर वाले जानवर नहीं है। यीशु मसीह के साथ जब वो लेडी कन्वर्सेशन में आई तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोटी लड़कों की रोटी, बच्चों की रोटी, हाउस होल्ड पेट्स को डालना अच्छी बात नहीं। यीशु मसीह ने जब उसको बोला हाउस होल्ड पेट्स, तो मेरे दोस्तों अब इसको नॉर्मल कुत्ता ना समझें, हाउस होल्ड पेट्स जो होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, हाउस होल्ड पेट्स जो होते हैं सड़क पे नहीं होते हैं, हाउस होल्ड पेट्स घर के बाहर नहीं रहते हैं, गलियों में नहीं घूमते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं, हाउस होल्ड पेट्स जो होते हैं वो घर में रहते हैं। अब यीशु मसीह के साथ ही कन्वर्सेशन में आई, यीशु मसीह ने इससे बातें करनी शुरू करी और यीशु मसीह ने इसको घर में रिकग्नाइज कर लिया। देखिए यहाँ पे इस बात को आप समझिए, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू बाहर भाग जा, यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी हाउस होल्ड पेट्स को डालना अच्छी बात नहीं है। बस ये समझ गई कि यीशु मसीह ने भले ही मुझे पेट कहा, लेकिन मैं घर में आ गई हूं, मैं इसराइल के घराने में आ गई हूं, मैं इस घर में रिकग्नाइज कर ली गई हूं। इतनी देर की जो मेरी जद्दोजहद थी, इतनी देर की जो मेरी लड़ाई चल रही थी, आज मुझे यहां विक्ट्री मिल गई है, क्योंकि यीशु ने मुझे इन हाउस रिकग्नाइज करा है। भले ही आज मुझे एज अ पेट रिकग्नाइज करा है, लेकिन यीशु ने मुझे रिकग्नाइज कर लिया है। ओ हालेलुया रिबारा शखाला रबा रिदारा शखाला रा बाबा। उसने उसको जब उसने समझ गई, वो समझ गई कि आज मेरा मौका है, आज यीशु यहां मौजूद है, आज यीशु ने मेरी ओर रुख कर लिया है, आज उसके चेहरे को मैं देख रही हूं, आज वो मुझसे बातें भी करने लगा, और अब तो उसने मुझे घर में हाउस होल्ड पेट रिकग्नाइज कर लिया है। उसने कहा सत्य है प्रभु, लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। उसने अपने
आप को समझ गए कि हाँ मैं इस घर की हाउस होल्ड पेट हूँ, और हाउस होल्ड पेट का अधिकार भी होता है, हाउस होल्ड पेट को भी खाना मिलता है। और अगर आपके घर में हाउस होल्ड पेट से अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो वो हमेशा जब आप खाएंगे, आपकी मेज के पास आएंगे, आप उनसे भले ही कितना प्यार करते हो लेकिन जब वो गिरता है आपकी मेज से वो ज़रूर खाते हैं। उसने अपने आप को हम्बल कर दिया, उसने अपने आप को वो जो यीशु मसीह ने उसे रिकग्निशन दिया उस रिकग्निशन को उसने रिसीव कर लिया और उसने कहा हे प्रभु हाँ मैं हूँ पालतू जानवर, लेकिन पालतू जानवर का भी तो अधिकार है प्रभु, घर में पालतू जानवर को भी तो खाना मिलता है प्रभु, वो भूखे नहीं सोते, वो प्यासे नहीं सोते प्रभु। बस मैं आज सब हालेलुया रिशखा लरा बाबा रा शखे ले रे बेबे। इस पर यीशु ने उत्तर दिया रिशखा मारा या शखा लरा बाबा, हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उस घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब इस औरत ने अपने आप को हलीम कर लिया मेरे दोस्तों, जब इस औरत ने अपने आप को उस परिस्थिति में ले आई, उस स्थिति में ले आई कि जहाँ वो मेज के नीचे आ गई मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उसे चंगा नहीं करना चाहता था, यीशु मसीह तो उसके विश्वास को परख रहा था, इसमें कितना विश्वास है, कितनी दूर तक ये जा सकती है। और जिसको ज़्यादा विश्वास होता है खुदावन, जिसका जैसा विश्वास उसको वैसा ही उसके साथ होता है, ऐसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास सबसे ज़बरदस्त है, जा जैसे तू चाहती है वैसे ही तेरे साथ में हो। हालेलुया रे बारा शखा ला रा बाबा ओरा शखे ले रे बेबे रा यद्दा ला रा। बाइबल में लिखा उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। दोस्तों क्या बेटी उसके साथ में आई थी? नहीं आई थी। बेटी कहाँ थी? बेटी घर में थी दोस्तों। तो उसने कैसे मान ली बात? इतनी देर से वो लड़ाई कर रही थी, इतनी देर से वो आना चाह रही थी, यीशु से मांगना चाह रही थी, कैसे उसकी बेटी चंगी हुई मेरे दोस्तों? यीशु ने कह दिया जा तेरी बेटी चंगी। उस औरत ने उस वचन को विश्वास से लिया। हालेलुया, विश्वास से नहीं लिया, उस औरत ने उस आंसर को लिया जिस आंसर के लिए वो आई थी। उसने यीशु मसीह के वचन पे विश्वास किया कि तेरी बेटी चंगी हो गई है, और वचन ले लिया उसने। जब उसने वचन पे विश्वास किया उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। मेरे दोस्तों यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है, यीशु मसीह इस जगह पे आपके घर में मौजूद है, यीशु मसीह के साथ आप कन्वर्सेशन में आ गए हैं। हमारा काम केवल इतना है दोस्तों कि आपको यीशु मसीह के साथ कन्वर्सेशन में ले आएं, यीशु मसीह के साथ आपका फेस टू फेस एनकाउंटर हो जाए मेरे दोस्तों। और यीशु मसीह के साथ जब आप कन्वर्सेशन में आ जाते हैं तो वो यीशु मसीह और आपका, वो यीशु मसीह और आपके बीच की बात है। हमारा काम पूरा हो जाता है, वहाँ से आपका काम चालू होता है। या आप यीशु मसीह से आज यहाँ जो मौजूद है उससे बिना लिए न जाए मेरे दोस्तों। रिश्ता खाला रा बाबा। और यीशु का जो वचन आपके पास आता है, जो पवित्र आत्मा यीशु का वचन बोलता है, जो बाइबल से आज आपको वचन मिलता है, आप विश्वास करें मेरे दोस्तों। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए भी हो जाएगा जैसे उस स्त्री के लिए हो गया। इट डजंट मैटर आप कौन सी रेस या क्रीड या कास्ट को बिलोंग करते हैं, इट डजंट मैटर आप कौन से रिलीजन के, इट डजंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, इट डजंट मैटर हिस्ट्री क्या है। ओनली थिंग मैटर्स आज यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और उसने आपकी ओर रुख कर लिया मेरे दोस्तों। रिशखा ला रा बाबा आंखों को बंद करे रि मारा या शखा ला रा बाबा रा शखे ले रे मेरे यद्दा ला रा बाबा खुदावन खुदा आज हमने जैसे तेरे वचन को देखा, वचन को सुना खुदावन खुदा कि तू उस घर में मौजूद था, और कैसे ये औरत आ करके तुझसे उत्तर लेकर के चली गई खुदावन खुदा। आज तेरे कई लोग यहाँ पे हैं खुदावन जो देखते हैं इस कार्यक्रम को खुदावन अपने अपने घरों में हैं, लेकिन खुदावन अब तो तू मर के जिंदा हो गया है खुदावन, और तू किसी एक जगह पे लिमिट नहीं है प्रभु यीशु। ओ लॉर्ड यू आर देयर इन देयर हाउस ओ गॉड हालेलुया जीसस हालेलुया। टॉक टू योर पीपल, लेट दे हैव अ फेस टू फेस विथ यू लॉर्ड। Let it between you and them, Lord Jesus. आज मैं चेलों की तरह कहता हूँ प्रभु, मैं चेलों की तरह कहता हूँ हे प्रभु देख कि कितने सालों से विनती करते हैं, हे प्रभु देख कि कितने महीनों से कितने समय से परेशान है, इनके आंसू को देख परमेश्वर, इनकी परेशानियों को देख परमेश्वर।
और खुदावन जब तक तू इनसे बात नहीं करेगा, जब तक तू इन्हें बोलेगा नहीं, ये जाएंगे नहीं खुदावन, इनकी परेशानियां दूर नहीं होगी। मैं जानता हूं प्रभु कि तू इनसे बात कर ले, तू अपना चेहरा इनकी ओर कर ले, अपने वचन इनसे बोल परमेश्वर, तू मौजूद है यहाँ परमेश्वर। और आशा खाला रा बाबा, जब तेरे लोग परमेश्वर तेरे पास में है परमेश्वर, तेरी हजूरी को महसूस करते हैं परमेश्वर, आज मैं कहता हूँ परमेश्वर पिता, और आशा खाला लोगों को परेशान कर रहा है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन यीशु के नाम से टूट जाए, स्मोकिंग का एडिक्शन यीशु के नाम से टूट जाए, और शखाला रबाबा रदाला रखे रे बेबे, एवरी evil spirit tormenting people of God, I rebuke you in the name of Jesus and I command you leave in Jesus' name. हालेलुया रिबाराया शकाला रबाबा। दोस्तों मैं आपको इनकरेज करूंगा, यदि आप बीमार हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर है, चाहे ट्यूमर है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप उस जगह पे हाथ रखें, क्योंकि यीशु यहां मौजूद है और यीशु मसीह चंगा करता है। और शकाला रामामा रदाला रबाबा रदाला रदारा खेरे यदाला रबाबा रा शकाला रबाबा और शखेले रे बे मेरा यदाला रखाला रबाबा रा खेरे यंदा रबाबा रा शकाला रबाबा। हे खुदा खुदा, आज तेरे लोग तुझसे चंगाई मांगते हैं, आज तेरे लोग तुझसे छुटकारा मांगते हैं, आज तेरे लोग तुझसे मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। रिशा खाला राबाबा रादाला रामामा, इनको इनके हिसाब से जैसा इनका विश्वास है परमेश्वर, वैसा उत्तर आज तू इनको दे परमेश्वर। आज तेरा दास होने के नाते मैं इस समय घोषित करता हूं, हर एक घर के ऊपर पवित्र आत्मा की हजूरी उतर जाए, हर एक घर के ऊपर तेरा अभिषेक उतर जाए, हर एक घर के ऊपर तेरे महिमा का बादल उतर जाए परमेश्वर। हालेलुया। और अशखाला रबाबा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। मैंने फिनिश नहीं किया है अभी। यदि आप बीमार हैं, यदि आप दुष्ट आत्मा से सताए हुए हैं, यदि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आप अपने ऊपर हाथ को रखें, मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। और अशखाला रबाबा, अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। हो सकता है प्रार्थना करने के बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाए, लेकिन आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, आप प्रार्थना में ना उठें। मैं गुड बाय कह के चला जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ वहीं पर रह जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करते रहे। रिबारा शखाला रबाबा, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, आज मैं सताया हुआ हूं, मैं इस बीमारी के बहुत से सताया हुआ हूं, आज अपनी आग तू मेरे ऊपर भेज परमेश्वर, आज उस हेवनली फायर को तू मेरे ऊपर उड़ेल परमेश्वर। ओ अपने पवित्र आत्मा को जो पिंतेकोस्त के दिन पे आया, आज तू मेरे ऊपर उड़ेल परमेश्वर। मैं अपने सभी पाप तेरे आगे मानता हूं, मैं अपने सभी गुनाह तेरे आगे मानता हूं। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, इस दुष्ट की पकड़ से मुझे आजाद कर, इस बीमारी की जकड़ से मुझे छुड़ा दे परमेश्वर। ओ तेरे आग को मांगता हूं कि ये बीमारी मेरे अंदर से झुलस जाए, ये शैतान के बंधन मेरे अंदर से टूट जाए। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे पूरे शरीर पे, मेरे पूरे घराने पे तेरी आग को भेज दे परमेश्वर। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, अपने चंगाई को रिलीज कर परमेश्वर। रिबारा शखाला रबाबा रदाला रदारा शेखेले रेबेबे रिदारा शखाला रबाबा रदाला रा शखाला रबाबा राया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rashakala Rababa, God is in control and do not stop praying. Main yahan pe end karunga. Do not stop praying. Do not stop praying. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Today is your day. Do not stop praying. Do not open eyes. And today I'll say, aaj main yahan se vida leta hoon. Yadi koi prayer nivedan hai, hame aap SMS kariye, hame call kariye, hamari website pe jaiye. Aap wahan pe humse baatein kariye. Lekin is samay aankhein mat kholiye. Khuda ki huzuri mein baithiye. आज के लिए मैं इतना ही, आज के लिए आपको यहां छोड़ता हूं। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ रहे। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे, मेरा यीशु मौजूद।
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद
मैं आशा करती हूँ थोनू आज का साडा चर्च सर्विस पसंद आया होना. इट वॉज अ वेरी पावरफुल टाइम. थैंक यू पास्टर प्रशांत फॉर द वंडरफुल वर्ड एंड थैंक यू पास्टर एशले फॉर द वर्शिप. साडा चर्च हिंदी पंजाबी चर्च सर्विस फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड हर संडे 10 AM 129 कोलमा रोड पापा टोई टोई ऑकलैंड चुंदा. वी वुड लव टू मीट यू. वी वुड लव टू प्रे फॉर यू. सो नो मैटर आप कोई भी रिलीजन से आते हों या कहीं से भी आते हों, वी वुड लव टू नो यू एंड स्टैंड विद यू इन प्रेयर्स. आप प्रार्थनाओं के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं prayer@ffgc.org.nz एंड यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एट www.ffgc.org.nz. आप हमें ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इस पे कॉल करके भी अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू से कीप होल्डिंग ऑन टू गॉड एंड गॉड विल चेंज योर सर्कमस्टांसेस. गॉड ब्लेस यू ऑल. वी वुड लाइक टू थैंक अपना टीवी फॉर गिविंग अस दिस टाइम स्लॉट. थैंक यू सो मच.